Sponsored by श्री नटराज ऑयल्स, प्योर एडिबल ऑयल्स। हेलीकॉप्टर के माध्यम से 25 आपदा प्रभावितों को सुरक्षित रेस्क्यू करने में कामयाब हुआ प्रशासन। उत्तराखंड में मौसम के अलर्ट के बाद भारी बारिश से आई बाढ़ ने पूरे राज्य को बेहाल कर दिया है। वायुसेना, NDRF राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसी बीच गांव चुकुम और सुंदरखाल में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, जहां वायुसेना के अति आधुनिक हेलीकॉप्टर ध्रुव ने सुंदरखाल में 31 लोगों को बचाया। ये सभी लोग गांव में फंसे थे और बाढ़ में डूबने वाले थे, तभी वहां पर ध्रुव पहुंच गया। दरअसल ये घटना नैनीताल जिले के रामनगर से 14 किलोमीटर दूर सुंदरखाल की है। यहाँ भीषण तबाही के बीच 31 लोग गांव में किसी तरह से जान बचाकर बैठे हुए थे। बाढ़ प्रभावित लगभग 50 लोगों की खाने सहित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है। नवभारत समाचार रामनगर से राघव खान की रिपोर्ट। देखिए, आज हम जो है दैवी आपदा कह सकते हैं इसको, कोसी में बहुत बड़ी बाढ़ आ रखी है। शासन प्रशासन ने यहाँ हेलीकॉप्टर तो भेजा था, लेकिन जो लोग नदी के पल्ली पार थे उनको तो निकाल दिया, लेकिन कई लोगों के मकान बह गए, कई लोगों के जानवर बह गए। जो इन गरीब लोगों ने धान लगाए थे वो पूरे धान बह गए। SDM साहब आए थे, विधायक जी आए थे, मदद की होगी, हम लोग भी आए हैं, लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो सुंदरखाल की गरीब जनता है, जिनके धान बह गए, जिनके गाय बच्ची बह गए, मकान गोट खेत बह गए, सरकार को तुरंत मानव सोच में मानव की रक्षा करने के लिए, आखिर दैवी आपदा कोष DM के पास होता है, मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, इनको तुरंत जो है सरकार को मुआवजा देना चाहिए। और फिलहाल इन लोगों के लिए रात को भी अलर्ट चेतावनी देनी चाहिए, अगर बारिश बढ़ेगी तो। अभी हमने देखा कोसी नदी और इधर को बढ़ती जा रही है, तो सरकार को, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, अपने नागरिकों की मदद करे। कहाँ जा रहे हो दीदी? अरे घर जाओ यार, खाली वो हेलीकॉप्टर मंगा रखा तुम्हारे को बचाने के लिए, घर जाओ।
हवा पड़ेगी फिर समझ नहीं पाएंगे। यहाँ से कहा यहाँ आगे ये मंगा दिया है। घर को इसको बंद रख, बहुत सारे घर ले यहाँ मिल जाएगी। पानी जैसे कि लगातार बारिश पड़ रही है, कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और सुबह जो हमने जल कोसी नदी का जल ने मापा है वो लगातार बढ़ ही रहा है। सुबह 8 बजे करीब 1,20,000 पानी आया था और उसके बाद मैक्सिमम पानी जो आया है सुबह 9 बजे 1,46,000 पानी आया है और लगातार पानी बढ़ ही रहा है क्योंकि लगातार बारिश पड़ रही है और ये पानी बारिश पड़ेगी तो पानी बढ़ता ही रहेगा। और नीचे हमने जो हमारे सिंचाई खंड है वहाँ हमने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है और जैसे जैसे पानी का जलस्तर बढ़ता है तो